सिलेक्शन हो गई आपकी? सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई। ऐसा इंसान है यार, खुद ही लग रहा है तेरी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं सिलेक्शन तो सिलेक्शन बोली तो है, हो गई है, तो कब और कैसे करूं? ओ माय गॉड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो गाइज, आ गए अपन एक और सोलो गेम प्ले लेकर। और गाइज, ये वाला गेम प्ले बिल्कुल एंड वाला है, मतलब इंटेंस, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करा। मतलब देखो गाइज, बिल्कुल छोटा एरिया एंड जोन और बंदे बहुत ज़्यादा अलाइव है, और इस गेम के बाद हम एस पे भी पहुंच जाते, मतलब समझ लो अगले दिन कौन कर रहा हो ही जाएगा। और गाइज, ये जो मैंने पुश किया है भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके से, मतलब एक तरफ मैंने मैच लगा के रख दिया है और इधर से मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, तो मतलब बहुत ही जुगाड़ वाला काम था। और गाइज, मैं गेम प्ले इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि भाई एक तो मैं गेम खेलूँगा, उसको रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, फिर वॉइस ओवर करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गाइज, एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं भाई बहुत ही कम गेम प्ले डाल रहा हूँ अभी। लेकिन जैसे ही फ्री होता हूँ तो भाई मतलब अंधाधुंध गेम प्ले आएंगे, तुम टेंशन मत लो, अभी तो बस ऐसे ही एडजस्ट कर लो जैसे तैसे होता है तो। और फिलहाल अपने गेम प्ले की बात करें तो भाई, इससे पहले मैंने एक बोट मार दिया, वो तो सबके किस्मत, मतलब सबके भाग में आता है ये एक बोट तो। और उसके अलावा दो बंदे मार देता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैंने सोचा नहीं था पहले कि मैं ये गेम प्ले रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन जब मैं एंड में ये देखता हूँ कि बहुत सारे बंदे अभी भी अलाइव है, तो भाई रिकॉर्ड कर ही लिया जाए। और वैसे भी मैंने बहुत दिनों से वीडियो डाली नहीं है, तो जैसे तैसे भाई एडजस्ट कर लेते हैं, आज एक वीडियो डाल ही देते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम इस शेक में होल्ड कर रहे हैं, और ये वाला शेक भाई बहुत ही मतलब फेवरेट है मेरा। और आसपास ऐसे कंपाउंड और मतलब कवर वाली जगह बहुत कम है, तो जो भी बंदे भाई इधर उधर गाड़ियाँ घुमाते फिरेंगे और स्नैक भी बनेंगे भाई, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ने का अपने पास मौका रहेगा यहाँ से। और गाइस, ऊपर की तरफ एक बंदा है भाई, यूएसजेड घुमा रहा है, हो सकता है वो वहीं पर कूद के ग्रेनेड कर दे हम पे, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इतने में लेफ्ट से एक यूएसजेड आ रही है, अब उस पर मैं फायर नहीं करता हूँ, और उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी भाई, वो पत्थर पर ना रुक गई हो, इसलिए मैं मतलब रेन देता हूँ इस वाले बंदे को जो यूजर से जा रहा था। उसके ठीक बाद एक और गाड़ी आती है भाई, जो कि सामने मतलब बग्गी थी, सामने की तरफ से आ रही थी, और उस बंदे के साथ क्या फाइट होती है देखना गाइस अभी। तो देख रहे हो भाई, क्या ही खतरनाक स्नैक शॉट, मतलब ड्रॉप शॉट मार दिया था इसने, हो सकता था ये बंदा हमको ले भी जाता इस ड्रॉप शॉट में, लेकिन हमने थोड़ा राइट साइड मूवमेंट दे दिया और भाई किल हो जाता है। इससे पहले कि ये जो रोटेशन मारने वाले बंदे हम पे अटैक कर दे कि यहाँ पे अभी ताज़ा ताज़ा फाइट हुई है, हम जीत जाएंगे यहाँ पर जाके लेकिन हम इससे पहले हील कर लेते। और इतने में जोन देगा इसे, कहाँ बन गए हम पे, क्यों नहीं बना, लेकिन हमको अभी जोन में जाने की जरूरत है नहीं। वैसे भी अगर बंदे मतलब सभी की दो दो डबल डबल आँखें, कोई ना कोई बंदा तो हमको सपोर्ट कर लेगा, तो यहीं पर होल्ड करना सही रहेगा। तो फिलहाल मैं एक बार तो मैप देखता हूँ, और अपने दिमाग में कैलकुलेशन, मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन एंड फलाना ढिकाना जम कुल मिला के स्ट्रेटेजी बना रहा था, और वो बन गई थी मेरे दिमाग में, फिट हो गई थी, और बस मुझे अप्लाई करनी थी। और इतने में सामने से एक डांसे आ रही थी, और वो बंदा मतलब किल हो जाता है भाई यहाँ पर, बहुत ही ठीक ठाक स्प्रे मार दिया। अब कमेंट में मुझे प्रो मत बोलना। और साथ ही ऊपर एक यूजेड वाला बंदा बहुत ही इधर उधर मतलब चहलकदमी और उछल मतलब उधम मचा रहा भाई, उसको पकड़ना पड़ेगा। और कहाँ है वो बंदा, एक बार तो स्पोर्ट ही नहीं, और अब मुझे स्पोर्ट करूँ तब मारूँ ना। और भाई दिख गया वो रहा बंदा, उसको पकड़ूंगा मैं, नहीं यार पकड़ में नहीं आ रहा। और ऊपर एक गाइस वो देखो, अब ये बंदा बहुत ही कम मतलब एचपी बहुत कम है इसका, और हमारा गाड़ी का टायर कम है। इससे पहले कि वो बंदा हील कर ले मुझे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारा टायर साथ नहीं दे रहा, तो यहाँ पर उसने तो बहुत हील कर लिया होगा, कोई मतलब रहेगा ना उस बंदे पर रश करने से। और रास्ते में जो हमने इस बंदे को मारा, तो इसको लूट लेते। और यहाँ पर भाई देखो लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट मिल गए, और भाई लूट लेता हूँ और यहाँ से निकल लेते हैं, इससे पहले कि पीछे से कोई बंदा भाई कहाँ कहाँ बंदे मुझे कोई आइडिया है नहीं, हमारे पास हैक वैक है नहीं। और देखो गाइस यहाँ पर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे भाई स्नैक बन जाते हैं और डसेंगे जो भी बंदा दिखेगा हमको। हम बहुत खतरनाक स्नैक हुए, मतलब बंदा कितना ही दूर क्यों ना हो, हम यहीं पे लेटे लेटे उसको डस लेंगे। हमारी जो डसने की रेंज है ना, वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। अब ऊपर जो स्मोक वाला बंदा है वो तो हिल ही नहीं रहा, और यहाँ पर देखे तो गाइस बहुत जोर शोर से रोटेशन चल रहा है, मतलब मौत के कुएं वाली फीलिंग आ रही। और यहाँ से हमको अभी फूटना पड़ेगा क्योंकि जोन आ रहा है। और यहाँ पर आ गया, इस पेड़ का कवर भी है, और
इधर नीचे की तरफ से हमारा गाड़ी लगा लेते हैं हम। और गाइज यहाँ पर मतलब किल लेना तो इजी था, लेकिन सर्वाइव करना बहुत खतरनाक था। मतलब हम तो किसी बंदे को मारने जाएंगे, लेकिन कोई और बंदा हमको ना मार दे, और भाई किस किस बंदे पे फायर करे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। इतने में भाई अगर पीछे वाले बंदे को देखें, उसका मैं ध्यान रख रहा था और नीचे से भी ध्यान रख रहा था। देखो गाइज क्या होएगा, जो भी है तुम देखना आगे। और ऊपर देखे गाइज एक ड्रॉप था, वहाँ पर बंदा आके रुका था और गाड़ी स्टार्ट होती है। वो बंदे को मैंने भाई थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया, और इससे पहले कि कोई और बंदा मुझे स्पॉट कर ले, मुझे भाई वापस से कवर में चले जाना चाहिए और वापस से आके यहाँ पर स्नेक बन जाते हैं। अब यहाँ से जो ऊपर वाला बंदा है भाई, स्मोक पे स्मोक किया जा रहा है और वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तो गाइज अगर वो बंदा हमको पीछे से भी एक स्टेप कुछ गड़बड़ी की ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इतने में एक बग्गी दिखती है मुझे, और इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, और नीचे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है। तो फिलहाल वो बंदा भाई कवर में जा चुका है, और यहाँ से हम 50 मीटर दूर है, जोन को जाने में भाई 10 सेकंड है, और यहाँ से हमको निकल लेना चाहिए, क्योंकि सारे बंदे भाई आपस में लड़ा रहे हैं और सभी का ध्यान तो हम पे नहीं होगा, और जो भी होगा भाई देखा जाएगा। ऐसा करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा बहुत रीच है, हो सकता है भाई यहाँ पर हमको कवर मिल जाए, और यहाँ पर आ जाता हूँ। और इन भाई साहब को प्रॉब्लम थी, और इसी प्रॉब्लम के चलते भाई लोबी में चले जाते हैं, लेकिन आसपास से ये गाड़ी बहुत घुमा रहा भाई डासे वाला, और पता नहीं कब लाके ठोक दे। और किन किन बंदों का हम पे एंगल मिल रहा है, सबसे पहले भाई स्मोक कर लेते हैं। और देखो गाइस डासे वाला बंदे का यहीं पे सफ़र ख़त्म हो जाता है भाई, सॉरी टाटा बाय बाय। और बचे बंदे अब 5 हैं, और देखो गाइस क्या होता है यहाँ से। अब इतने में डॉक्टर भाई ने एक बंदे को किल कर दिया, अब बचे बंदे 4 है, और राइट साइड में स्मोक हो रखा है बहुत ही अंधाधुंध, गाड़ियाँ वाड़ियाँ फूट रही है। और सामने भाई देखो बहुत ही दूर जोन है, हम जोन के बाहर है, तो भाई जोन में तो निकलना पड़ेगा। और देखो गाइस मैं स्मोक करने वाला बहुत ही खतरनाक, वो रहा स्मोक। और देखो गाइस कैसे मैं जोन में जाता हूँ अभी। तो सॉरी मुझे तो जोन में जाना था, लेकिन लॉबी में चले जाता हूँ मैं। तो गाइज यहीं तक था अपना सफ़र, और गाइज वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के साथ साथ भाई सब्सक्राइब कर देना अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, यानी कि कल या फिर जब भी पॉसिबल हो सके, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो लाने की पूरी भरपूर एंड अखंड कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। Smoke you, I could roast you, and then you'd love it. You'd text me, I love you, and then I'd fucking ghost you. The big bang.